रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करो फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज यार एक बड़ी सैड खबर है, कोरोना टेस्ट कराना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ऑपरेशन है मेरा तो उसके लिए कोरोना टेस्ट मस्ट है। तो बड़ा मैंने इसका कहते हैं एक टूर इसके लिए हमने कैंसिल किया था। तो आपको बताया पीछे व्लॉग आपने देखा होगा, तो हम गए थे एजेंसी में, कराची जा रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा कोरोना टेस्ट कराओ। लेकिन मुझे लगता था डर, क्योंकि वो नाक में ऐसे मारते हैं कि बंदे का बस डर लगता था, क्योंकि मैंने चाचियों का देखा है कोरोना टेस्ट करते हुए, तो मुझे डर लगता था, तो मैंने इस वजह से नहीं कराया। तो अभी कराना पड़ रहा है, तो चलते हैं कोरोना टेस्ट कराने आपके साथ, आपको भी पता चलेगा कैसे होते हैं और क्या क्या सीन होते हैं। तो उससे पहले अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जी हमारी हवेलियाँ की, हमारी सिटी की प्यारी सी अस्पताल टाइप डी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल, यहाँ से शाकर भाई को लगनी है वैक्सीन और फिर हम चलेंगे कोरोना टेस्ट। तो फाइनली जी शाकर भाई को वैक्सीन लग रही है, तो इनका रिव्यू फिर बाहर ही जा के लेते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे शोर नहीं कर सकते। यार वीडियो बना रहा तो यार ये बाबे इनको भी यार आराम नहीं लग रहा, यार बंदा वीडियो बना रहा है बैठ जाए। शाकर भाई वैक्सीन लगवाएं, शाकर भाई को बाजू शाजू में दर्द वर्द होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वैसे ही लोग डरते हैं। अच्छा हाँ ना, लगवानी चाहिए, क्या कहते हैं? लगवानी चाहिए, ये फास्टी तदबीर है हाजर के लिए, ठीक है ये ठीक है, तो लगवानी चाहिए जी। तो अभी शाकर भाई लगाए हैं, अभी हम जाएंगे अपने कोरोना टेस्ट के लिए एबटाबाद, तो चलते हैं बताते हैं। ये यूप पुल के मनाजर हम आपको दिखाते हैं अभी, जो के दौड़ की वजह से बैठ गया था, तो आराम से आराम से, तो ये देख सकते हैं आप ये दरमियान से बैठा हुआ पुल। तो इंतज़ामिया से हमारी दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द हवेलियाँ यू पुल को क्लियर किया जाए। ये देख सकते हैं आप कितना बैठा हुआ है ये पुल इस दौड़ की वजह से, वो नीचे आप दौड़ देख सकते हैं, ये देखें, ये भी देख सकते हैं आप दौड़, इस दौड़ की वजह से ये पुल बैठ चुका है, जो कि अब शहरा रेशम बंद हो चुकी है हमारे इलाके की। ये बड़ा गिलगित तक ये मोटरवे से जोड़ता है, तो अभी ये बंद हो चुका है। अभी वो सामने वाला पुल क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब डिसमिस हो चुका है। तो इंतज़ामिया से हमारी दरख्वास्त है कि यार इस पुल को जल्द अज जल्द जो है वो तमीर किया जाए, तो ताकि लोगों की जो क्या कहते हैं परेशानियाँ हैं मुश्किलें हैं वो आसान हो सकें। भाई को सामने, तो अभी तो यार मान ले बट ही नहीं मिल रही, गूगल पे मारा है तो वो आ नहीं रही। तो अभी भाई को कॉल की है, कज़न है वो लेबॉरेटरी में होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं उससे करेक्ट पूछ के बताता हूँ, वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो अभी तैयार हैं, तो अभी बताएंगे आपको कि मेरा कोरोना टेस्ट कब होगा, क्योंकि वो अभी कराते हैं, तो डर तो मुझे बहुत लग रहा है। अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए, तो ऊपर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो अभी कराते हैं कोरोना टेस्ट, तो फिर बताते हैं आपको सीन तो दिल तक तक कर। ये जी फाइनली मेरा कोरोना टेस्ट हो रहा था, और पाँच मिनट के लिए तो यार मेरे आंसू ही ना बंद हो, ऐसा लगता कि जैसे ज़ुकाम से बहुत बुरी हालत इंसान की हुई हो। तो लेकिन खैर उसके बाद बिल्कुल मैं ठीक हो गया पाँच मिनट बाद। तो कोरोना टेस्ट जो है हमने करा लिए, तो जितना मैं डर रहा था तो हम कराची जा रहे थे भाई, उसके लिए हमने नहीं कराया शाकर भाई, अभी आप देख सकते हैं हमने कराया है। तो जो था जरा से आंसू आए, जितना मैं डर रहा था इतने, उस तरह की कोई बात नहीं है, कोरोना टेस्ट अलहमदुल्ला हो चुका है, तो कल हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। तो बाकी यार घबराने की कोई बात नहीं है, सब फ्रेंड से सब यूट्यूब फैमिली से यार मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो यार मेरा ऑपरेशन है, जो दुआ दीजिएगा अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। तो
बाकी का तो इसी तरह मिलते हैं आपको आगे जा। जैसे नहीं लग जाता इंसान को वैसा मेरा हाल हो चुका था, तो अभी फाइनली हम ठीक हैं। तो अभी ये कैमरामैन आपको बताए तो कितने प्यारे हम व्यू पे खड़े हैं, तो देख सकते हैं तो माशाल्लाह से ये हमारे ज़ारे की नेचुरल ब्यूटी है। तो पानी वगैरह आप देख सकते हैं। तो अभी जाते हैं ज़रा बाज़ार में, ज़रा जूस वूस पीते हैं। ठाकुर भाई भी हमारे साथ आए हुए हैं, तो बाकी मिलते हैं आपको वहाँ पर। फाइनली जूस वाली जगह पे हम आ चुके हैं, जूस कार्नर पे, जूस कार्नर पे अभी हम जूस वूस पियेंगे। तो वैक्सीन वगैरह सब लगा ली है, तो यार दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह पाक मेरे ऑपरेशन को कामयाब करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ठीक हूँ। तो आपके लिए नए और अच्छे विलाग दोबारा से लेके आता रहा हूँ। तो बस ये था आज का छोटा सा विलाग के चक्कर, पीछे मोबाइल आ जाए ज़रा छोड़ देना। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा विला। मैंने कोरोना टेस्ट कराया, मैंने कहा कि अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से, जितने भी मेरे विलागर हैं उनसे, जितनी मेरी यूट्यूब की फैमिली है उनसे मिल सकूं। तो जूस भी आ चुके हैं, तो जूस पे ज़रा लगाएंगे। तो ये जूस भी आ चुके हैं, अभी हम पियेंगे जूस वगैरह। तो उसके बाद जी जिनों भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव विलाग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यार स्टे सेफ, स्टे होम। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो आज हमारा एक दोस्त था शाकर जिसने नहीं लगाई हुई थी, तो आज उसने भी लगा ली है। आप भी जाओ यार वैक्सीन लगवाओ। तो मेरा ऑपरेशन था इसलिए कोरोना टेस्ट वहाँ पर मस्त था, वहाँ पर एंट्री नहीं होगी जब तक एडमिट नहीं कर आपको अस्पताल में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें एडमिट नहीं करेंगे जब तक के कहते हैं कोरोना टेस्ट नहीं होगा। वैक्सीन वगैरह भी और कोरोना टेस्ट भी मस्ट है। तो अभी कर रिपोर्ट आ जाएगी और बसों मंडे वाले दिन हम चेक कराएंगे। तो बाकी यार इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मिलते हैं इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव विलाग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।